हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं नंद किशोर सिंह आपको स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। आज बच्चों प्रोटिस्टा का दूसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे। क्राइसोफाइट्स अपन पढ़ चुके हैं। आज डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनॉइड्स, लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स क्या होता है उसे पढ़ते हैं। तो आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डाइनोफ्लेजिलेट, क्या होता है डाइनोफ्लेजिलेट। ठीक, डाइनोफ्लेजिलेट डाइनोफ्लेजिलेट नाम से ही समझ में आ रहा है, डाई मतलब दो। इनके पास कितने फ्लेजिला होते हैं साहब? दो फ्लेजिला होते हैं, दो फ्लेजिला। जनरली, नॉर्मली, मैं जनरली लिख रहा हूँ, जनरली दोनों फ्लेजिला इक्वल होते हैं। जनरली दोनों फ्लेजिला इक्वल होते हैं। ये मोस्टली मेराइन एरिया में रहना पसंद करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं, फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं ये। और चौथा पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूँ तो इनके पास, इनकी जो सेल वॉल होती है बेटा, वो सेलुलोज की बनी होती है। और जो सेलुलोज है ये स्टिफ प्लेट के फॉर्म में होते हैं। स्टिफ का मतलब टुकड़ों के फॉर्म में होंगे, टुकड़ों के फॉर्म में होंगे। और एक पॉइंट और समझिएगा, इनके पास डिफरेंट पिगमेंट होता है। और जब डिफरेंट पिगमेंट होगा तो अलग अलग कलर भी दिखाएंगे। रिपीट करता हूँ, इनके पास डिफरेंट पिगमेंट होता है और डिफरेंट पिगमेंट की वजह से वेरियस कलर शो करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल लेके समझाऊं, तो मान के चलिए कि मैंने कहा कि ये कोई डाइनोफ्लेजिलेट है, ठीक, और इसके पास पिगमेंट है ए पिगमेंट है, इसके पास बी पिगमेंट है, इसके पास सी पिगमेंट है, इसके पास डी पिगमेंट है। और मैंने कहा कि ए पिगमेंट के वजह से ये रेड कलर के होते हैं, बी के वजह से ये ब्राउन होते हैं, सी के वजह से ये ब्लू होते हैं और डी के वजह से ये क्या होते हैं साहब? येल्लो होते हैं। तो डिफरेंट पिगमेंट के वजह से ये डिफरेंट कलर भी दिखाते हैं। तो ये पॉइंट भी लिखना आपको जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है डिफरेंट पिगमेंट होते हैं इनके पास, और डिफरेंट पिगमेंट के वजह से ये वेरियस कलर दिखाते हैं, ये वेरियस कलर दिखाते हैं, वेरियस कलर दिखाते हैं, अलग अलग कलर दिखाते हैं। तो ये सारे कलर भी हैं, रेड, ब्राउन, ब्लू और येल्लो कलर, जो एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही है, उसको मैंने अभी बेटा यहाँ पे समझाया है। चलिए इसका फिगर थोड़ा एक बार देख ले कि इसका फिगर कैसे होता है, ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो सके। ये रहा डाइनोफ्लेजिलेट का फिगर, जो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से लेना देना कुछ नहीं है। ये रहे डाइनोफ्लेजिलेट के फिगर, और ये मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये ठीक। और ये देखिए सेलुलोज की प्लेट दिख रहा है आपको, स्टिफ फॉर्म में है। किस फॉर्म में है सेलुलोज? स्टिफ प्लेट के फॉर्म में है, स्टिफ प्लेट। ये रहा सेलुलोज, सेलुलोज किस फॉर्म में है? स्टिफ प्लेट के फॉर्म में है। और यहाँ से दो फ्लेजिला निकली रहती है, एक फ्लेजिला यहाँ से निकली रहती है और एक फ्लेजिला यहाँ से निकली रहती है। इस वाले फ्लेजिला को अपन लॉन्गिट्यूडनल फ्लेजिला के नाम से पुकारते हैं, और ये जो फ्लेजिला है बेटा, इसको अपन ट्रांसवर्स फ्लेजिला के नाम से पुकारते हैं, ट्रांसवर्स फ्लेजिला के नाम से इन्हें पुकारते हैं। हर एक कलर वाले डाइनोफ्लेजिलेट का नाम अलग अलग होता है। ब्राउन डाइनोफ्लेजिलेट को कुछ और नाम से पुकारते हैं, ब्लू को कुछ और नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारी एनसीईआरटी, हमारे सिलेबस में केवल रेड डाइनोफ्लेजिलेट ही है। और रेड डाइनोफ्लेजिलेट को अपन गोनियोलेक्स के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? गोनियोलेक्स के नाम से पुकारेंगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट है, जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट है, रेड डाइनोफ्लेजिलेट को अपन किस नाम से पुकारेंगे? गोनियोलेक्स के नाम से पुकारते हैं।
गोनियोलेक्स के नाम से पुकारते हैं। और ये जो गोनियोलेक्स होता है ये बहुत तेज मल्टीप्लिकेशन करता है, ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है। फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये फास्ट रिप्रोडक्शन करता है, गजब का रिप्रोडक्शन करता है। और जब फास्ट रिप्रोडक्शन करेगा तो बहुत ज़्यादा साहब मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे डॉटर सेल, डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे। और जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, बहुत ज़्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस करते हैं। अब आप कहिएगा सर ज़्यादा डॉटर सेल क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ रिप्रोडक्शन कर रहे हैं साहब, इसीलिए ज़्यादा डॉटर सेल प्रोड्यूस करेंगे। और ये जिस कलर में, जिस पानी में रहते हैं वो पानी लाल हो जाता है, और जब उसको दूर से देखिएगा ना तो उतना लाल आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब वही लहरें आती हैं और पानी उठता है, जब पानी ऊपर की तरफ उठता है तो पानी में इतनी लालिमी होती है कि लगता है कि वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सारे के सारे मर गए हैं। तो रेड टाइड भी इनके फास्ट मल्टीप्लिकेशन के वजह से ही दिखता है, लाल लहरें जो उठती हैं जब जिस पानी के अंदर डाइनोफ्लेजिलेट होगा वो पानी जाहिर सी बात है कि लाल हो जाएगा, लेकिन जब तक लहरें नहीं आती पानी उतना लाल नहीं दिखता है। लेकिन जब लहरें उठती हैं, जब पानी, जब टाइड आता है लहरें उठती हैं ऊपर की तरफ, तो पानी क्या लाल दिखता है और ऐसा लगता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म मर गए हैं। ठीक, तो एक पॉइंट और सुनिएगा, रेड डाइनोफ्लेजिलेट टॉक्सिन भी रिलीज करता है पानी के अंदर। जब टॉक्सिन रिलीज करेगा पानी के अंदर तो जो उस पानी के अंदर एक्वाटिक एनिमल है वो मर जाएंगे टॉक्सिन की वजह से। और जब मैं आपसे ये बात कहता हूँ कि टॉक्सिन रिलीज कर रहा है, एक्वाटिक एनिमल मर रहा है, तो आपके दिमाग में एक्वाटिक एनिमल सबसे पहले कौन आता है? मगरमच्छ? नहीं, मछली आती है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में मछली ही आती है साहब, केवल मछली ही आती है। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये प्रोड्यूस करते हैं मैक्सिमम डॉटर सेल, और मैक्सिमम डॉटर सेल की वजह से रेड टाइड देखने को मिलता है। और ये जो गोनियोलेक्स हैं, ये जो गोनियोलेक्स हैं, आपको पता है कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसके वजह से किल हो जाते हैं। कौन किल हो जाएगा? एक्वाटिक एनिमल। और एक्वाटिक एनिमल में आपके पहले, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? तो मछली, मछलियाँ मर जाएंगी। तो यही कुछ बात एनसीईआरटी बुक आपसे बेटा मेंशन कर रही थी, और जो बात एनसीईआरटी बुक आपसे मेंशन कर रही थी वो मैंने आपको डाइनोफ्लेजिलेट के बारे में पढ़ा दिया। अब अपन पढ़ते हैं यूग्लिनोइड क्या होता है। व्हाट इज यूग्लिनोइड? ठीक, आओ यूग्लिनोइड को समझते हैं। यूग्लिनोइड क्या है? यूग्लिनोइड का एक कॉमन मेंबर है जिसको अपन यूग्लिना के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से? यूग्लिना। ये जनरली, नॉर्मली, मोस्टली फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है। फ्रेश वाटर में रहना पसंद करता है, और उस पानी में रहना पसंद करता है जो पानी रुका हुआ है, स्टेगनेंट वाटर में रहना पसंद करता है। स्टेगनेंट वाटर में रहना ये पसंद करता है, स्टेगनेंट वाटर में रहना पसंद करेगा। इसके पास सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है, लेकिन सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर होती है, एक प्रोटीन से भरी लेयर होती है जिसको अपन पेलिकल के नाम से पुकारते हैं। और ये पेलिकल बेटा एसोसिएट होता है, ये पेलिकल एसोसिएट होता है किससे? पीएम। पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक पॉइंट और इसके बारे में जान लीजिए कि ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, मतलब ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और ये हेटरोट्रॉप्स भी होते हैं। ये दोनों होते हैं, मतलब कि ये जब लाइट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएंगे,
और जब लाइट नहीं रहती है इनके पास तो स्मॉल ऑर्गेनिज्म को खा के काम चलाते हैं, और ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट मार के खाते हैं। डायरेक्ट मार के मैं कह रहा हूँ, प्रीडेटर हैं ये मरे हुए ऑर्गेनिज्म को नहीं खाते हैं। मरे हुए को खाना स्कैवेंजिंग कहलाता है, मार के खाना प्रीडेशन कहलाता है, धीरे धीरे खाना पैरासिटिज्म कहलाता है। तो ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं। अब आप कहिएगा स्मॉल क्योंकि ये खुद ही यूनिसेलुलर है, या अपने से बड़े मल्टी सेलुलर को खा पाएगा? नहीं, यूनिसेलुलर में भी छोटे वाले को खाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि ऑटोट्रॉप्स बेटा ये होते हैं, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास एक पिगमेंट होता है जिस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल ए। क्या क्लोरोफिल ए केवल इन्हीं के पास होता है? नहीं, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उनके पास भी आपको क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल ए देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट कि हेटरोट्रॉप्स कब होते हैं? जब सनलाइट अब्सेंट होती है। जब सनलाइट नहीं होती तो ये हेटरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म को मार के खाते हैं, और स्मॉल ऑर्गेनिज्म को ये मार के खाते हैं, मार के खाते हैं, और रे इसीलिए इसे प्रीडेटर के नाम से पुकारते हैं, प्रीडेटर कहलाते हैं, प्रीडेटर बेटा। ठीक, यूग्लेनोइड के पास दो फ्लेजिला होता है। कितना फ्लेजिला होता है? दो फ्लेजिला होता है, दो फ्लेजिला, और इसमें से एक फ्लेजिला जो है वो शॉर्ट होता है, मतलब छोटा होता है, तो दूसरा फ्लेजिला लॉन्ग होता है। आइए इसका एक बार फिगर देख लेते हैं कि यूग्लेनोइड का फिगर कैसे है, क्या कैसे दिखता है यूग्लेनोइड। ये रहा यूग्लेनोइड, ये दिख रहा है ना यूग्लेनोइड, और ये अंदर की तरफ, ये रही प्रोटीन से भरी लेयर, ये रही प्रोटीन से भरी लेयर, प्रोटीन रिच लेयर, जिसको अपन किस नाम से पुकार रहे हैं साहब? पेलिकल के नाम से। ये रहा प्रोटीन से भरी लेयर है, ये पूरा प्रोटीन से भरी लेयर है जिसको अपन किस नाम से पुकारते हैं? पेलिकल के नाम से। ठीक, और ये रहा फ्लेजिला, ये छोटा वाला फ्लेजिला है तो ये बड़ा वाला फ्लेजिला है। ठीक, तो ये रहा प्रोटीन रिच लेयर जिसको पेलिकल कहते हैं, ये रहा लॉन्ग फ्लेजिला, और ये रहा शॉर्ट फ्लेजिला, छोटा वाला फ्लेजिला है, ये रहा शॉर्ट फ्लेजिला, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या हो गया? यूग्लिना का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, यूग्लिनोइड का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। और ये पेलिकल थोड़ा ध्यान से देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एसोसिएट नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एसोसिएट हैं ये पेलिकल। ठीक, और आपको पता है ना कि सेल वॉल जो होता है हार्ड होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, सेल वॉल के जगह पे पेलिकल है, तो पेलिकल के वजह से इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। अरे सेल वॉल रहेगा तब ना बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती, लेकिन इसके पास सेल वॉल के जगह पे पेलिकल है तो पेलिकल के वजह से बॉडी इनकी क्या होती है साहब? फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो कुछ इतनी ही बात आपसे एनसीईआरटी बुक यूग्लेनोइड के बारे में कह रही थी, और जो बात यूग्लेनोइड के बारे में एनसीईआरटी बुक आपसे कह रही थी वो मैंने आपको समझा दिया बेटा। तो आपका क्राइसोफाइट्स खत्म, डाइनोफ्लेजिलेट खत्म, यूग्लेनोइड खत्म, अब बचा है स्लाइम मोल्ड, उसके बाद प्रोटोजोन्स, तो दोनों अपन एक एक करके समझ लेते हैं। कि क्या होता है बेटा डाइनोफ्लेजिलेट के बाद स्लाइम मोल्ड, और क्या होता है प्रोटोजोन्स। ठीक, स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स, सबसे पहला पॉइंट कि ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं ये? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, चलिए
हेटरोट्रॉप्स में भी ये क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब कि ये डेड मटेरियल के ऊपर डिकम्पोज करते हैं। दूसरा पॉइंट कि इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो कौन सा मूवमेंट होता है, अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब सूडोपोडिया के थ्रू ये मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट कि जब इनकी बॉडी मूव करती है, इनकी बॉडी मूव डिकेइंग ट्विक्स के ऊपर करती है, डिकेइंग ट्विक्स। अच्छा, डिकेइंग ट्विक्स का मतलब टहनी, ट्विक्स का मतलब टहनियों के ऊपर मूव करती है। तो मान के चलिए कि एक डिकेइंग ट्विक्स है जो सड़ी हुई टहनी है, सड़ी हुई टहनी, तो इसके ऊपर ये मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है, ये स्लाइम मोल्ड्स ऐसे मूव कर रहा है। और बगल में मैंने कहा फूड है, तो मूव करते करते ये फूड को भी इंगल्फ कर लेता है। फिर इधर चला, इधर चला, इसको इधर फूड दिखा, इसको खाएगा। इधर चला, इधर चला, इसको इधर फूड दिखा, इसको खाएगा। मतलब कि ये जब डिकेइंग ट्विक्स के ऊपर मूव करता है तो इंगल्फ भी करता है। किसको इंगल्फ करेगा, तो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल को इंगल्फ करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को। अगला पॉइंट कि हाँ, ये दोनों कंडीशन में ग्रो करना पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ग्रो दोनों कंडीशन में करना पसंद करते हैं, ये फेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो करते हैं, ठीक, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो करते हैं। ये फेवरेबल कंडीशन में एग्रीगेट होके ग्रो करना पसंद करते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं फिर ग्रो करते हैं, एग्रीगेट होके ग्रो करते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बना के ग्रो करते हैं। आइए दोनों को एक बार फिगर के थ्रू समझ लेते हैं, कैसे एग्रीगेट और कैसे स्पोर बना के करेंगे, ठीक। सबसे पहले मैं आपको फेवरेबल कंडीशन समझा रहा हूँ, ये रहा फेवरेबल कंडीशन में कैसे ग्रो करेंगे। तो मान के चलो बेटा कि ये यूनिसेलुलर होते ही हैं, तो मैंने कहा एक सेल, दो सेल, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स हैं, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स, ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। दिख रहा है आपको, ये आपस में ऐसे जुट जाएंगे, इसी को अपन एग्रीगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को, एग्रीगेशन कहते हैं। और इसी एग्रीगेशन को अपन किस नाम से पुकारते हैं, प्लाज्मोडियम के नाम से पुकारेंगे। किस नाम से, प्लाज्मोडियम के नाम से। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सोच समझ के आंसर करिएगा कि ये प्लाज्मोडियम छोटा होगा कि बड़ा होगा। बड़ा होगा ना, क्योंकि बहुत सारे सेल मिल के एग्रीगेट हुए हैं, तो स्ट्रक्चर भी बड़ा होगा। मतलब कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो सेवरल फीट का होता है, सेवरल फीट का होता है, सेवरल फीट का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अनफेवरेबल कंडीशन आया है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये कैसे ग्रो करेंगे। ये मान के चलो बेटा कि मैंने कह दिया ये रहा प्लाज्मोडियम, और अंदर की तरफ ये बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं, क्योंकि बहुत सारे सेल मिल के ही तो प्लाज्मोडियम बना रहे हैं ना, एग्रीगेट हो रहे हैं, तभी तो बन रहा है प्लाज्मोडियम। अनफेवरेबल कंडीशन में इनके बॉडी के ऊपर, मैं यहीं पे सबसे पहले लिख देता हूँ कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता, नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होता। और ये रहा अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बना के ग्रो करते हैं, ये रहा स्पोर। स्पोर जिस स्ट्रक्चर में बनता है उसका नाम है फ्रूटिंग बॉडी, ये रही फ्रूटिंग बॉडी, और ये फ्रूटिंग बॉडी की टिप है, ठीक, ये फ्रूटिंग बॉडी है, ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, ये फ्रूटिंग बॉडी है बेटा, और इसके अंदर ये फ्रूटिंग बॉडी का टिप है, और इसके अंदर ये रहे स्पोर, ये रहे स्पोर, और इस स्पोर के बाहर क्या होती है, वॉल होती है, इस स्पोर के बाहर सेल वॉल होती है। अरे अभी आप कहिएगा सर आपने कहा इसके बाहर सेल वॉल नहीं है, देखिए अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर के बाहर सेल वॉल होती है, केवल एक स्टेज में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है। और जब से आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं तब से मैं कहता हूँ पहले जनरली सोचना है आपको। तो ये रहा स्पोर, ये रहा स्पोर, और मैंने कह दिया इस स्पोर के बाहर ये रही, ये रहा स्पोर, ये स्पोर है, और स्पोर ही एक ओनली स्टेज है जिसके बाहर सेल वॉल होती है, जिसके बाहर सेल वॉल है। और जब यही फ्रूटिंग बॉडी फटेगी तो यहाँ से स्पोर बाहर की तरफ निकलेगा, ये स्पोर यहाँ से एयर करंट से क्या हो जाएगा, एयर करंट से डिस्पर्स हो जाएगा, हवा के बहाव के साथ ये निकल जाएगा, ये एयर करंट से,
डिस्पर्स्ड हो जाएगा। और आपको पता है कौन डिस्पर्स्ड हो जाएगा? स्पोर। और इनके स्पोर हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। हाईली रेजिस्टेंट का मतलब, हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि ये जिंदा रहते हैं साहब, ये जिंदा रहते हैं मेनी ईयर तक, मेनी ईयर तक। अगर इनका स्पोर कहीं गिरा हुआ है, मान के चलिए मैंने कहा इनका स्पोर यहीं आसपास कहीं गिरा हुआ है, तो ये तुरंत नहीं मर जाएंगे क्योंकि हाईली रेजिस्टेंट हैं। और हाईली रेजिस्टेंट की वजह से पता है कि ये जिंदा भी रहेंगे कम समय नहीं, ज़्यादा समय के तक, ज़्यादा समय के लिए। अगर ये लो रेजिस्टेंट रहते तो जिंदा तो रहते लेकिन मेनी ईयर्स तक नहीं रहते। हाईली रेजिस्टेंट है। और रेजिस्टेंट क्या होता है फिजिक्स में आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो इतनी ही बात आपसे एनसीईआरटी बुक्स लाई मोल्ड्स के बारे में कह रही थी। और जो बात आपसे एनसीईआरटी बुक्स लाई मोल्ड्स के बारे में कह रही थी बच्चों, वो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। ठीक, कुछ बाहर की साउंड आ रही होगी तो मैं आपसे विश्वास करूँगा कि आप ईयरफोन लगा के सुनिएगा इस वीडियो को, ताकि एकदम क्लियर आवाज़ आपके आपके पास तक आ सके। ठीक, चलिए अगला टॉपिक इसी में है, जिसका नाम है प्रोटोजोन्स। जिसका नाम क्या है? प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होता है, थोड़ा इसको समझ लें। प्रोटोजोन्स क्या है बच्चों, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। प्रोटोजोन्स क्या है, थोड़ा इसको समझ ले। प्रोटोजोन्स को अपन प्रिमिटिव प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल के नाम से भी पुकारते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल का मतलब क्या है? ऐसा माना जाता है कि जितने भी एनिमल आज इस धरती पे आए हैं, सारा का सारा एवोल्यूशन किससे हुआ है? प्रोटोजोन से। तो प्रिमिटिव रिलेटिव एनिमल का मतलब ये है कि ऐसा माना जाता है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, ऐसा माना जाता है कि जितने भी एनिमल इस धरती पे हैं इन्हीं के एवोल्यूशन से हैं। ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। और हेटरोट्रॉप्स में भी ये प्रीडेटर होते हैं। और ये क्या होते हैं बेटा? पैरासाइट होते हैं। प्रीडेटर होते हैं और पैरासाइट होते हैं। इनके पास सेल वॉल नहीं होती। नो सेल वॉल, सेल वॉल नहीं है। प्रोटोजोन का लोकोमोशन कैसे होता है? इस बेस पे प्रोटोजोन को आज चार भागों में डिवाइड किया जाएगा। प्रोटोजोन का लोकोमोशन कैसे होता है, किस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, उस बेस पे लोकोमोशन, उस बेस पे प्रोटोजोन्स को चार भागों में डिवाइड किया जाएगा। तो मैं इनको आज चार तरीकों से डिवाइड करता हूं प्रोटोजोन्स को। किस बेसिस पे? तो लोकोमोशन के बेसिस पे। किस बेसिस पे? तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बेसिस पे। ये चार तरीके के होते हैं। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा फ्लैजलेट प्रोटोजोन, तीसरा सीलिएटेड प्रोटोजोन और चौथा स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स मतलब अमीबा के थ्रू मूव करेगा सूडोपोडिया से, सीलिएटेड सीलिया के थ्रू, फ्लेजिलेटेड फ्लेजिला के थ्रू, और स्पोरोजोन्स के अंदर नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। तो आइए एक एक करके बेटा अपन समझ लेते हैं अमीबॉइड, फ्लेजिलेट, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स क्या है, क्या क्या बात आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है। चलिए थोड़ा देखिए, सबसे पहले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे अपन? अमीबॉइड। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की बात करेंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का मतलब ये है कि इनका लोकोमोशन किसके थ्रू होगा? स्यूडोपोडिया के थ्रू। अच्छा, स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है? इनके पास पैर नहीं होते हैं। ये आपको फील कराते हैं हमारे पास पैर है। और जिसके पास जो चीज नहीं होता है वो चीज फील कराता है, तो उसे सच्चा कि झूठा, झूठे के नाम से पुकारते हैं। तो सूडो का मतलब फॉल्स होता है और पोडिया का मतलब फीट होता है। सूडोपोडिया का मतलब क्या हुआ बच्चों? फॉल्स फीट मतलब झूठा पैर है इनके पास। जब ये मूव करते हैं तो कैप्चरिंग ऑफ प्रे भी करते हैं। प्रे
प्रे को भी कैप्चर करते हैं। मान के चलिए कि ये मैंने कहा कि मैं आपको समझाता हूँ फिगर, कि ये सूडोपोडिया के थ्रू मूव तो करते ही हैं, लेकिन सूडोपोडिया के थ्रू ये प्रे को भी कैप्चर करते हैं। जैसे कि ये रहा अमीबा, ठीक, और ये रहा इसका प्रे, तो ये इसका पैर ऐसे मूव करता रहेगा, सूडोपोडिया ऐसे अपना आगे की तरफ भेजता रहेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अपना सूडोपोडिया ऐसे फंसा लेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे फंसा लिया और इसका ये जो प्रे है इसको इंगल्फ कर जाएगा। तो सूडोपोडिया के थ्रू केवल मूवमेंट ही नहीं, प्रे को कैप्चर भी किया जाता है। ये अमीबॉइड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अमीबा। और ये रहना कहाँ पसंद करते हैं? तो फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, और आपको पता है कि ये मॉइस्ट सॉइल के अंदर रहना पसंद करते हैं, जिस सॉइल के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो अमीबॉइड, जो अमीबा होता है, वो ऑलवेज नहीं, मोस्टली आप लिख लीजिए, मोस्टली प्रीडेटर होता है। मोस्टली मैंने लिखा है प्रीडेटर होता है, लेकिन कुछ अमीबा की मैं बात कर रहा हूँ जो पैरासाइट भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ाया था, नाम क्या है? तो एंट अमीबा, एंट अमीबा, ठीक। कुछ अमीबा के बाहर उनकी बॉडी वॉल पे, बॉडी की वॉल पे सिलिका की सेल होती है। किसकी सेल? सिलिका की सेल होती है। सिलिका है क्या? SiO2, जिसको आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो कुछ अमीबा के बाहर बॉडी के वॉल पे सिलिका की सेल होती है, और कुछ अमीबा पैरासिटिक नेचर के होते हैं, सारे नहीं होते हैं। चलिए, दूसरा है अमीबॉइड मूवमेंट के बाद, इसी में दूसरा है बेटा फ्लेजिलेट की बात करते हैं। किसके बारे में? फ्लेजिलेट प्रोटोजोन। फ्लेजिलेट प्रोटोजोन, बात से ही समझ में आ रहा है कि इनका लोकोमोशन किसके थ्रू होगा? लोकोमोशन इनका किसके थ्रू होगा बेटा? तो फ्लेजिला के थ्रू होगा। ठीक है, एक मिनट। इनका लोकोमोशन फ्लेजिला के थ्रू होगा, और फ्लेजिलेट प्रोटोजोन्स का कुछ और भी काम है। काम क्या है कि ये प्रीडेटर भी होते हैं। प्रीडेटर जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग का मतलब वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। लायन प्रीडेटर है, डायरेक्ट डियर को मार के खाता है, डायरेक्ट वोल्फ को, डायरेक्ट रैबिट को मार के खाता है। हम भी प्रीडेटर हैं, हम भी किसी को डायरेक्ट मार के खाते हैं। तो ये प्रीडेटर जो भी होते हैं, यही नहीं, जो भी प्रीडेटर होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं। अब आप कहिएगा सर जो भी प्रीडेटर वो फ्री लिविंग, NCERT आपको पढ़ाई जा रही है, और हमारी NCERT बुक केवल यहीं पे लिखती है, इसलिए मैंने आपको यहीं पे लिखा है। और एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा, जो अपवाद क्वेश्चन है, जो अपवाद लाइनें हैं, उसको NCERT नहीं पूछेगा, उसको NTA नहीं पूछ सकता। उसे पता है कि बेवकूफ़ी हमने की है, क्योंकि NCERT में लिखा था वो बात। तो अपवाद क्वेश्चन NTA नहीं पूछता, आपसे ज़्यादा चला के साहब। ठीक, चलिए, ये पैरासाइट भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। एक फ्लेजिलेट प्रोटोजोन का नाम है ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा जो है, ये फ्लेजिलेट प्रोटोजोन है, ये डिजीज कॉज करता है। उस डिजीज का नाम है स्लिपिंग सिकनेस। स्लिपिंग सिकनेस कॉज करता है। स्लिपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी है ना जो नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, और जब नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा तो आपको पता है कि सिग्नल जो आते हैं, जो सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं, वो जा ही नहीं पाएंगे। जब ना सिग्नल आएगा ना सिग्नल जाएगा, तो मरना पक्का हो जाता है साहब। तो कुछ इतनी ही बात आपसे NCERT बुक मेंशन कर रही थी, और जो बात NCERT बुक पिटा आपसे मेंशन कर रही थी वो आपके सामने है। दो और बचा है, दोनों को ख़त्म कर देते हैं। एक सीलिएटेड प्रोटोजोन और एक स्पोरोजोन्स बचा है। तो सबसे पहले अपन सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। क्या होता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स? सीलिएटेड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स,
का मूवमेंट किसके थ्रू होगा? सीलिया के थ्रू होगा, और सीलिया हमेशा कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट दिखाता है। कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का मतलब क्या है, अभी समझा रहा हूँ, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सीलिएटेड का, पैरामीसियम। आपने फ्लेजिला देखा होगा, फ्लेजिला कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं दिखाता, एक इधर चलेगा तो किधर चलेगा, इधर चलेगा तो इधर चलेगा, इधर चलेगा तो इधर चलेगा, लेकिन सीलिया एक साथ कोऑर्डिनेट मूवमेंट दिखाएगा। मान के चलिए पांचों सीलिया है तो एक ही साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इधर मूव करेगा तो इधर करेगा, अगर इधर करना होगा तो इधर करेगा, इधर करना हो तो इधर करेगा। आ रहा है समझ में? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, जैसे कि ये रहा पैरामीशियम जो चप्पल के आकार का होता है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से लेना देना कोई नहीं है। और ये रहा पानी, क्योंकि ये कहाँ रहना पसंद करते हैं, पानी में। ये मैं लिख देता हूँ कि ये एक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। इनका हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक है। और इनके पास दो न्यूक्लियस होता है, जो मैंने आपको सेल में पढ़ाया है, एक बड़ा होता है तो दूसरा छोटा न्यूक्लियस होता है। और इनके अंदर एक कैविटी होती है, जिसका कैविटी को अपन गलेट के नाम से पुकारते हैं। तो ये रहा बेटा, मान के चलिए कि मैंने कह दिया कि ये रहा कैविटी, और इसी कैविटी को अपन किस नाम से पुकारते हैं? गलेट के नाम से। ये रहा कैविटी, और इसी कैविटी को अपन गलेट के नाम से पुकारते हैं, गलेट। और इस पानी के अंदर मान के चलिए मैंने कहा ये रहे फूड पार्टिकल, ये सारे के सारे कौन से पार्टिकल है? फूड पार्टिकल। ये सारे के सारे कौन से पार्टिकल है बेटा? फूड पार्टिकल हैं। और ये रहे सीलिया, आपको दिख रहा है ना, ये सारी सीलिया हैं। ये सीलिया। अब ये सीलिया उन पानी को अपने तरफ खींचता है जिस पानी के अंदर फूड पार्टिकल है। अगर ये कोऑर्डिनेशन मूवमेंट नहीं दिखाता तो क्या फूड इसके तरफ आ पाते? एक इधर करता तो एक इधर करता, एक इधर चला जाता, एक इधर आने की कोशिश करता, जो आने की कोशिश करता फिर इधर वाला इसे उधर भेज देता। तो कोऑर्डिनेशन मूवमेंट की वजह से ये फूड पार्टिकल इनके गलेट में आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन मूवमेंट की वजह से फूड पार्टिकल इनके ये गलेट में आ जाते हैं। तो यही फायदा है इसका। तो इतनी बात आपसे एनसीईआरटी बुक कह रही थी, तो मैंने आपको कह दिया। अगला बचा है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या होता है बेटा? स्पोरोजोन्स इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पोर बनाते हैं, इसीलिए कहते हैं। और इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, नो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता, और केवल इसके अंदर ओनली केवल क्या आएगा? पैरासाइट आएगा। अच्छा, एक पैरासाइट है जो आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मैं पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है मलेरियल पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट? मलेरियल पैरासाइट। और ये मलेरिया मलेरियल पैरासाइट है, और मलेरिया को फैलाने वाला पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम है। कौन है? प्लाज्मोडियम है, सॉरी, मतलब मलेरिया का पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम है। और मलेरिया किसके वजह से फैलता है? फीमेल एनोफिलीज के वजह से। आपको जब मैं मलेरिया की लाइफ साइकिल समझाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बच्चों को बहुत टफ लगता है मलेरिया लाइफ साइकिल, लेकिन जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उस दिन कहोगे क्या सर आपने पढ़ाया है। ठीक, चलिए। मलेरियल पैरासाइट और ये जो प्लाज्मोडियम होता है नोटोरियस होता है। नोटोरियस मतलब कुख्यात। जब ये बीमारी पहली बार लॉन्च हुई थी ना इंडिया में, लॉन्च वर्ल्ड में या इंडिया में, तो ये बहुत खतरनाक थी, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था, और जिस भी पॉपुलेशन में ये बीमारी जाती थी उस पॉपुलेशन को खत्म कर देती थी। मान के चलिए कि मैंने कहा कि एक पॉपुलेशन है ये वाला, और इस पॉपुलेशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम इंटर किया। ठीक, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, जिस समय मलेरिया आया ही था, लॉन्च ही हुआ था। अगर इस पॉपुलेशन के अंदर आता था तो इस पूरे पॉपुलेशन को खत्म कर देता था, इसीलिए इसे नोटोरियस कहा जाता है, कुख्यात, खतरनाक। तो इतनी बात ही बेटा आपसे एनसीईआरटी बुक कह रही थी। तो आज प्रोटिस्टा फाइनली ख़त्म हो चुका है, और अब अपन अगला टॉपिक फंजाई पढ़ेंगे। फंजाई के बाद अपन प्लांटी एनिमेलिया, फिर अपन वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों, और एक बात हमेशा मैं कहना चाहूँगा कि एनसीईआरटी स्ट्रिक्ट रहना है आपको। जो टीचर बाहर से पढ़ाता है आपका टाइम किल कर रहा है,
उस टीचर से कह दो कि बाहर की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना पढ़ाइए, केवल एनसीईआरटी पढ़ाइए, और एनसीईआरटी पढ़ाने के लिए साहब ना दिमाग चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन को समझाने के लिए बहुत काबिलियत चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। एनसीईआरटी की एक लाइन को समझाने के लिए आपको 20 लाइन पहले समझना पड़ेगा, तब एनसीईआरटी की आप एक लाइन को समझाइएगा। तो आप मेहनत करते रहिए ऐसे ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में फंजाई के साथ मिलते हैं। तो अगर कोई आपको स्पेसिफिक टॉपिक भी चाहिए कि सर ये टॉपिक इस चैप्टर का आप थोड़ा डाल दीजिए, दिक्कत होता है, तो वो टॉपिक मैं आपको ज़रूर डाल दूंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।